रहे हैं पीपीडी खबर। भैया क्या नाम है आपका? भैया जी मेरा शुभ नाम है स्वतंत्र प्रताप सिंह और बाबा ठाकुर। बाबा ठाकुर जी टीका भी लगा हुआ है आपके माथे जी? जी नहीं, पूजा करता हूँ माता रानी का, काली माँ का भक्त हूँ मैं। गाय को मानते हो? जी हाँ बिल्कुल मानता हूँ। गाय गुरु को मानते हो? क्यों नहीं मानते, वो हमारी पूजनीय है, गाय माता है हमारी। अब गाय इस समय, अब तो गाय सुरक्षित है, योगी जी सरकार है, आप गाय की बात करो। गाय सुरक्षित क्या है, मैं तो योगी सरकार के लिए बस यही निवेदन करना चाहूँगा कि योगी सरकार में हर काम बढ़िया है, हर फैसिलिटी हर आदमी को मिल रही है, हर व्यक्ति को मिल रही है, लेकिन एक गौ वंश एक ऐसा वंश है जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ प्रजाति में गिना जा रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो भी किसान इनको पाल रहा है, इनको पालने के बाद जब ये दूध पे भीन हो जाती हैं, दूध इनका खत्म हो जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है। किसान छोड़ता है ना? हाँ किसान छोड़ता है। योगी जी नहीं छोड़ रहे, तो योगी जी इसके लिए एक ऐसा कदम उठाए, जिन्हों के पास गायें थी, आपका जैसे ग्राम पंचायत ब्लॉक वगैरह जो होते हैं क्षेत्र के, उसमें बीडीओ होते हैं, सार्वजनिक ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, उनके थ्रू जो प्रधान है उनके थ्रू ये जानकारी की जाए किसके घर में गाय थी, क्या थी, जिन्होंने ये पता चले कि किसने गाय को छोड़ा किसने नहीं छोड़ा, तो उनके खिलाफ़ ये कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो पशु जब छोड़े जाते हैं तो ये बेचारे भूखे प्यासे घूमते हैं, जो फसल खड़ी हुई है उसका नुकसान करते हैं, इनको फिर डंडे ये दिया जाता है कि भाई कोई फरसे से मार रहा है, कोई लकड़ से मार रहा है, कोई ईंट से मार रहा है, किसी की आँख बेकार हो गई, किसी का पैर बेकार हो गया। अब मेरे पास कोई ऐसी वीडियो बनी हुई नहीं है या कुछ ऐसा संविधान वो नहीं दिखा सकता मैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से इनकी जो है दुर्गति हो रही है जानवरों की, गाय मैया जो है हमारी, इनकी किस तरीके की दुर्गति हो रही है, इसको अगर देखें योगी जी और इसका निवारण करें तो सबसे बड़ा मैं तो अपना सुझाव यही दूंगा योगी सरकार को, सर आप जो हैं सबसे पहले जो खंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक हैं क्षेत्र के, उनके बीडीओ को, उनके ग्राम पंचायत अधिकारियों को और वहाँ के गांव के जो प्रधान हैं उनको। कौन से ब्लॉक से हो? मैं अवागढ़ ब्लॉक से हूँ। तो अवागढ़ ब्लॉक में क्या ऐसा हो रहा है क्या? हाँ जी काफ़ी, मतलब ये जो है हर क्षेत्र में देखिए, गांव में कहीं पे भी ये जानवर छोड़ दिए गए हैं। मेरा भी खेत 8 बीघा का और दो। जानवर नहीं, आप गाय बोलेंगे? हाँ हाँ गाय की बोल रहा हूँ भैया, हाँ गौ बंद के बारे में ही बोल रहा हूँ मैं। जानवर तो सब होते, कुत्ते पुत्ते सब जानवर होते हैं। उसके विषय में नहीं, केवल गाय की विषय में बोल रहा हूँ कि गाय छोड़ दी गई है। मेरा भी 8 बीघा खेत पूरा उर्दमूंग का खा लिया, मैंने तो आज तक एक डंडा नहीं मारा, क्योंकि मेरे जो किस्मत में होगा वो मुझे मिलेगा। गाय उनमें मारा? मैं नहीं मारा है। आप गाँव में मारे? बैल कुछ नहीं, जैसा खा रही है खाती रहे, केवल एक जान दो गाय मेरे खेत में लगी रहती थी, मैं देखने भी नहीं गया, वो पूरा खेत जुतवा दिया, उसके बाद बाजरा किया, बाजरा के बाद अब जो है गेहूँ खड़ा हुआ है। मिला है? आपने गाय को मारा नहीं? नहीं मारा नहीं, अब तो जो है कुछ जो है राजस्थान से कुछ बता रहे थे, पकड़ के ले गए, अभी मैं कहीं से आ रहा था तो मुझे पता चली, मेरे जो है 15-20 मिनट पहले ही कोई राजस्थान थे जो चरवाए थे वो पकड़ के ले गए हैं, तो मैंने कि वो छोटे मोटे बच्चे, तो बोले वो रह गए, तो उसमें से जो है एक दो बच्चा मेरे पास आता है मेरे, हालांकि मैं कभी पालता नहीं हूँ गाय वगैरह, क्योंकि मैं हमेशा शहर में रहा, लेकिन अब मैं गांव की तरफ मेरा रुख हो गया है, तो मैंने जो है अभी मेरे पास आपका गाय है क्या? हाँ मेरे पास एक बच्ची है जो बाहर की किसी की छूटी हुई थी, वो आ जाती है, उसका मैं जो है दाना पानी सब करता हूँ। तो आपको मतलब प्यार कब से हुआ है गाय से? गाय तो बचपन से जो है हमारे बाबा जी हैं, हमारे चाचा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी मैं अपने गाँव में रह रहा हूँ। और दोही भूभी क्या करे अब? दोही नहीं नहीं, वो तो अपनी एजुकेशन थी, उस वजह से मैं नौकरी करना उचित नहीं समझा, अपना जो है अपने गांव की तरफ अपना खेती बाड़ी की तरफ ही मेरा ज़्यादा रुझान है। नौकरी नहीं करते आप? नहीं नहीं, मैं अपना खेती बाड़ी देख रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है नौकरी। आप हो योग्य भी हो, नौकरी क्यों नहीं करी? नौकरी करना मैं चाहता नहीं हूँ। जो आपने निश्चित चाकरी वो हमसे आप बोल रहे नहीं, वो इस वजह से उत्तम खेती, उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नीच नौकरी आदमी कभी ना करे, मतलब उत्तम खेती करनी चाहिए, मध्यम वर्ग का व्यापार करना चाहिए, मतलब 1 रुपए की इच्छा ना रख के केवल 10 पैसे का व्यापार करना चाहिए कि 10 पैसे का लाभ होगा, तो देखो आदमी देखो हर चीज़ की कोई महंगाई नहीं कुछ नहीं, अब जो चीज़ आ रही है 50 पैसे की, अब उसको जो है 1.5 रुपए 2 रुपए की आप बेचोगे तो आपके कहाँ जाएगी? आपके क्षेत्र